को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए किचन में सब फैला हुआ डला है क्योंकि मैं बना रही हूँ पूजा के लिए। हमारे यहाँ ठवाई बोलते हैं इसको, तो चार चार का जोड़ा होता है। तो ये बनाएंगे हम, छोटी छोटी सी पूरियाँ बना लेते हैं, चार का एक जोड़ा होता है। तो यही बना रही थी मैं क्योंकि आज अष्टमी है, तो अष्टमी पूजती है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ ये पूजा जेंट्स करते हैं। तो मैं सब व्यवस्था कर दूँगी, बना के रख दूँगी और वो पूजा कर लेंगे और वो ही प्रसाद देंगे। और हमारे यहाँ पे ये वाली पूजा में भी एक चीज़ और है कि लड़कियाँ जो घर की होती हैं उनको ये प्रसाद नहीं दिया जाता है, और ना ही वो इस पूजा में बैठती हैं ना देखती हैं। ये समझ में नहीं आया मुझे, लेकिन फिर भी मैं नहीं मानती हूँ तो मैं नहीं मना करती हूँ बिट्टू को। देख ले अगर उसको देखना है, या मतलब मैंने उसको कभी मना नहीं किया। तो और मैं ये सब मानती भी नहीं हूँ, लेकिन जो वहाँ पे हो रहा है होता है ससुराल में तो ऐसे ही होता था। अब यहाँ पे मैं करती हूँ तो मैं नहीं उसको मना नहीं करती हूँ, क्योंकि बेटी बेटा एक ही होता है मेरी नज़र में, सबकी नज़र में नहीं होता है, सब अलग अलग समझते हैं। क्योंकि मैं एक लेडी हूँ तो मैं समझ सकती हूँ। मैंने देखा है शुरू से ऐसा लड़कियों से थोड़ा सा व्यवहार अलग किया जाता है। और ये देखिए, ये मैं खट्टा रख रही हूँ, चार चार का बना के रख दूँगी। और ये इसी पूजा जो है मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इसी वाले थाली में करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, तो ये देखिए बन गई है मेरी। आज अष्टमी है तो अष्टमी पूजने के लिए मेरे हमारे यहाँ इसी तरीके से मनाया जाता है। ये चार चार का पूड़ियों का जो होता है इस तरीके से बनाया जाता है। तो हर कैंडिडेट के लिए एक चार का सेट होता है। तो जैसे कि एक मेरा, एक संयोग का, एक उनके पापा का, और ये अब पता नहीं किस तरीके के रिवाज होते हैं, अब पुराने हैं तो लड़कियों का नहीं बनाया जाता है। मैंने ऐसा मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है ससुराल में, लड़कियों का नहीं बनाया जाता है। तो जितने पुरुष सदस्य होते हैं घर में उनके और बहुओं के बनते हैं ये। तो चार चार करके होता है, चार का एक जोड़ा होता है ये। तो ये मैंने बना लिया है, अपना बनाया है, संयोग का बनाया है, उसके पापा का बनाया है। और वैसे मैं बना लेती हूँ एक्स्ट्रा, एक माता का बनता ही है वो। तो मैंने पांच जोड़े बनाए हुए हैं। तो मैं ये बस अब पूजा की तैयारी हो रही है तो मैंने ये बना दिया है, अब मैं जाती हूँ। और हमारे यहाँ ये वाली पूजा जो है जेंट्स करते हैं, और ये मुझे नहीं करनी होती है, मैं वहाँ से बैठूँगी और पूजा जेंट्स ही करेंगे ये वाली। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं पूजा करने के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूजा हो चुकी है और मैंने फिर बाद में ही वीडियो बनाई थी। तो होम हवन सब कुछ हो गया है, और ये इस तरीके से चढ़ा दिए जाते हैं हमारे यहाँ एक इस पर पटे पे रख के, और फिर ये सबको दे दिए जाते हैं। घर में जितने कैंडिडेट होते हैं सबको दे दिए जाते हैं। और एक मैं माता का बनाती हूँ, जो माता का बनाती हूँ मैं, वो उससे कह देती हूँ बिट्टू से कि अगर उसको खाना हो तो माता वाला वो खा सकती है, उसके लिए मैं कभी मना नहीं करती हूँ। और ये देखिए, ये बना रही हूँ मैं चाय। और चाय मैं, आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोगों की पूरे फैमिली की तबीयत ख़राब है, तो मैं ये सब चीज़ें डाल के बना रही हूँ चाय। तो मैंने काली मिर्च और लौंग, इलायची, अदरक और तुलसी की पत्ती, ये सब डाल के इसको अच्छे से कूट लूँगी और ये डाल रही हूँ मैं चाय में। और वैसे मैं इतनी चीज़ें तो वैसे भी हमेशा से डालती आ रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों, और सब कहते हैं कि ये सब डाल के चाय पियो तो फ़ायदा होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उल्टा तबीयत ख़राब तो हो ही गई। और ऊपर से
स्वाद भी नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें मैंने इतनी भर भर के डालती हूँ मैं, लेकिन आप यकीन मानेंगे कि बिल्कुल से पता नहीं चलता है कि हम लोग क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, वही बच्चों का हाल है। और ये देखिए तो चाय खौल रही है और अच्छे से खौल आती हूँ मैं, मेरी आदत है चाय को बहुत देर तक खौलाने की। तो चाय और मैं, आप लोगों को पता ही है कि मैं ब्राउन शुगर डालती हूँ अपनी चाय में और मैं शक्कर नहीं डालती हूँ चीनी। तो मैं अपनी चाय छान लूँगी, मैंने पहले से उसमें डाल रखी थी, और फिर बिट्टू की और संयोग की मैं चाय चीनी डाल दूँगी चाय में और उनको छान के दे दूँगी। तो ये मैंने अपनी छान ली है और उनकी छान दी है। तो ये देखिए चाय बन गई है, आइए आप लोग भी पी लीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई हो क्या आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज अष्टमी है और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जाऊंगी, यहाँ पर कथा हो रही है भागवत कथा मंदिर में, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि मुझे दोबारा से फिर से फीवर होने लगा है। तो मैंने पहले ये सोचा था कि शायद, तब मैंने बात की थी तब वो फीवर 2-3 दिन से नहीं आया था, तो मैंने सोचा जब तक अष्टमी तक और अच्छा थोड़ा सा फील होगा तो मैं चली जाऊंगी, अच्छा लगेगा। लेकिन कल फिर से हो गया था फीवर और आज हालत जाने वाली तो नहीं है, तो मैं नहीं जाऊंगी और फिर कभी चली जाऊंगी आगे, जब ठीक हो जाऊंगी तो चली जाऊंगी। बस ये है कि हाँ, भागवत आज समापन है भागवत का, तो आज से भागवत तो नहीं होगी, लेकिन हाँ मंदिर फिर कभी चली जाऊंगी। तो मैं ये कह रही थी फ्रेंड्स कि मैंने अपनी तरफ से हमेशा से, पूरा 1 साल हो गया है जब से ये COVID-19 आया है, जब से 1 साल हो गया है, और मैंने बराबर अपना, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, सबका ध्यान रखा। मैं जितना मतलब कर सकती थी, वैसे मैंने और लोगों को देखा है कि जो बिल्कुल कुछ भी नहीं करते थे, और मैंने तो बहुत कुछ किया। और तो 1 साल तक तो ये समझिए आपकी, मेरा 6 साल का बेटा है तो उसको जुकाम भी नहीं हुआ 1 साल तक। अभी कुछ दिनों से क्या हुआ कि उसने भी ये, मैं उसको रोज काढ़ा पिलाती थी, रोज खुद पीती थी और सब पूरे घर को पिलाती थी, और अभी बस जस्ट 2 महीने करीब से बंद कर दिया होगा उसने। मैं तो फिर भी पीती रही क्योंकि मुझे तो गर्म पानी पीना की आदत है, तो मैं गर्म पानी पीती हूँ, तो मैं काढ़ा ले लेती हूँ या गर्म पानी। और इतना सब मतलब सावधानी बरतने के बाद भी हम लोगों की, पूरे घर की तबीयत खराब हो गई है, बच्चे तो मुझे लगता है हम लोग तो बाहर कहीं जाते नहीं है, ना बच्चे गए ना मैं गई, और पता नहीं क्यों। लेकिन इतना घटिया बुखार इस टाइम का, ये वाला पता नहीं भगवान, मैंने तो आज तक ऐसा बुखार नहीं देखा है और ना ही मैंने महसूस किया है। पहले भी कई बार बुखार हुए हैं और, लेकिन इतना गंदा बुखार आज तक मैंने नहीं देखा। शरीर का कोई भी एक अंग ऐसा नहीं होगा जहां आपको पेन नहीं होगा, और इतना भयानक कि मतलब हम बता ही नहीं सकते, इसको हुआ होगा वो जानता होगा। और मतलब एक दिन अगर बुखार ये वाला हो जाता है तो चाहे जितना स्ट्रांग इंसान हो, चाहे जितना, बुरी तरीके से टूट जाता है। और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग समझती थी, तो मेरी तो उसने एक ही दिन में औकात समझ में दिखा दी, क्योंकि मैं अपने आप को समझती थी कि मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ और मैं ये मतलब पौष्टिक खाना खाती हूँ, सबकी तरीका नहीं है जो सामने आया खा लिया है, मेरा तो वो रहता है हेल्दी फूड रहता है और मैं हेल्थ के लिए बहुत कुछ करती हूँ। तो मेरे मतलब मेरे अंदर ये था कि मुझे तो नहीं हो सकता है और चाहे इसको हो जाए, लेकिन सबसे पहले मुझे हुआ। तो एक दिन में, मेरा मतलब है कहने का कि एक दिन के बुखार में इंसान की औकात याद दिला देता है, ऐसा बुखार हो रहा है। और ये समझ लीजिए कि एक ही दिन मुझे पिछली बार चढ़ा था, एक ही दिन, तो उसके बाद तुरंत टेस्ट हो गया, टेस्ट करवा लिया था हमने और तुरंत
दवाई लेना चालू कर दिया था, तो 2-3 दिन दवाई ली, इसके बाद फिर 2-3 दिन बुखार नहीं हुआ, लेकिन हालत जैसी की तैसी रही, हिम्मत नहीं रहती है, वीकनेस इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपको उठने का मन नहीं करेगा, चाहे जितने बड़ा जो कुछ हो जाए लगेगा कि आप लेट ही रहो, लेकिन मेरे जैसी मजबूरी हो जाती है, घर में घर का काम भी मुझे ही देखना होता है, चाहे कैसी भी हालत हो। तो और सब लोगों का तो यह है कि जिसको हो गया भाई उसको तबीयत खराब है, वो लेटा है आराम कर रहा है, लेकिन मैं, मेरे साथ ये सब नहीं है, ना मैं ऐसा कर सकती हूँ, अगर मैं ऐसे करूँगी तो फिर जो सब लेटे हैं तो सबको सब समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे तो अपना सब देखना ही है उठ के। तो आप सोचिए कि इसके बाद भी मैं अपना घर का भी सब देखती हूँ और इतनी बुरी हालत है कि मतलब ऐसे लगता है कि आप कोई कोई बात भी ना करे, चुपचाप लेटे रहो, और स्वाद तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, ना खुशबू आ रही है ना स्वाद आ रहा है किसी भी चीज का, कुछ भी खा लो पता ही नहीं चलेगा आपको कि आप क्या खा रहे हो, और मैं ऊपर से व्रत भी हूँ तो व्रत में तो वैसे भी ऐसा कुछ होता नहीं है खाने के लिए, वही फल वगैरह होते हैं और बस वही सब चीजें, और क्या है, और जी बच्चे तो खाते हैं सब कुछ, लेकिन उनको भी स्वाद नहीं आ रहा है, वो कुछ भी दे दो बस वो इसीलिए और ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि उनको स्वाद नहीं आ रहा है, तो वो कहते हैं हमें ये नहीं खाना, हमें वो बना दो, हमें वो नहीं खाना, हमें ये बना दो, आप यकीन नहीं करेंगे मैं रोज इतना इतना खाना फेंकती हूँ, क्योंकि बनवा तो लेते हैं वो लोग लेकिन खाते नहीं है, कोई भी टेस्ट ही नहीं करता है, एक दूसरे से मन टेस्ट किया अच्छा नहीं लगा तो सब फेंक देते हैं, घर से बाहर जाना नहीं है और बस घर पर ही है, हम लोग दवाइयाँ वगैरह सब रखी हैं तो ले रहे हैं, तो बहुत बुरी हालत है। अब कल 9वीं है तो हम लोग नहीं जा रहे हैं हवन में, अपनी ससुराल जो वहाँ पे मंदिर है वहाँ पे हवन होता है तो अब नहीं जाएंगे, मम्मी ने मना कर दिया था कि बच्चों को लेके तुम ना आओ क्योंकि तुम लोगों की तबीयत खराब है, और भैया जरूरत भी नहीं है, अपने अपने घर में रहो, सही बात है वहाँ पे सब लोग ठीक ठाक हैं, तो इसलिए नहीं जाएंगे हम लोग, यहीं रहेंगे, अगले 9 दुर्गों में चले जाएंगे, कोई बात नहीं, तो वहाँ पे है सब लोग करने के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, मम्मी है, देवर है, देवरानी है, सब लोग हैं, तो हो जाएगा वहाँ पे हवन। और बहुत बुरी हालत होती है तो जो बचे हुए हैं सब चीजों से, तो वो और ज्यादा सावधानी बरते ताकि उनको हो ही ना पाए, और यकीन मानिए जिसको भी जिसकी भी ऐसी तबीयत खराब हुई है वो शायद सालों तक याद रखेगा इस बुखार को, तो जिसको नहीं हुआ है वो अपना ध्यान रखें और काढ़ा वगैरह गर्म पानी ये सब लेते रहें, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने अपने लिए तो नहीं की थी, बच्चों के लिए, बच्चे ही नहीं पीना पसंद करते थे काढ़ा वगैरह, तो उन लोगों ने बंद कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे कल के ब्लॉग में, आज अष्टमी थी तो अब ये सब चीजें तो हमें करनी ही पड़ती है, तो अष्टमी की पूजा भी की थी और कल नवमी है तो वो होगा, व्रत भी कल वो तोड़ेंगे, तो अब देखेंगे कल का कल क्या करना है, मैं ही अकेले व्रत हूँ और तो कोई है नहीं के, तो अपने लिए जो कुछ होगा बना लेंगे, जरूरी नहीं है और कोई होता तो फिर उस हिसाब से खाना बनाते, और टेस्ट टेस्ट तो आ नहीं रहा है, कुछ भी बना लो पता तो चल रहा नहीं है कि क्या खा रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे कल के ब्लॉग में, और जो नए देख रहे हैं मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय फ्रेंड्स।